नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल श्रीदेवी क्लास है। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट माइक्रोप्रोसेसर के बारे में। आज का हमारा विषय है माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर 8085। अभी तक हमने माइक्रोप्रोसेसर के आर्किटेक्चर के अंदर प्रोग्रामिंग मॉडल, फ्लैग रजिस्टर्स आदि के बारे में जाना। हमने बसेस के बारे में भी जाना कि किस प्रकार एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस कार्य करती है, उनके ऑर्गेनाइजेशन, उनके मैनेजमेंट और आदि के बारे में हमने जानने की कोशिश की। उसके बाद हमने पढ़ा किस प्रकार पिने कार्य करती है, किस प्रकार सिग्नल्स कार्य करते हैं। अब हम कुछ पिनों की डिटेल पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। जिनको कुछ पिनों की डिटेल जाननी है वो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज हम बची हुई शेष पिनों के आगे चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे पास चौथे नंबर पे जो सिग्नल सिस्टम है या हमारी जो पिनें आती हैं वो है स्टेटस सिग्नल को रिप्रेजेंट करने वाली पिनें में पॉइंट है स्टेटस सिग्नल। स्टेटस सिग्नल में तीन प्रकार के सिग्नल्स आते हैं। पहला है इनपुट आउटपुट मेमोरी, दूसरा S0, तीसरा S1। इन सभी सिग्नल को हम आउटपुट सिग्नल भी कहते हैं। I0M यह एक प्रकार का स्टेटस सिग्नल है, जिसका यूज हम किसी भी प्रकार के इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या मेमोरी के लिए करते हैं। यदि हमारे पास इसकी वैल्यू 1 है तो हम कहेंगे इसमें इनपुट आउट ऑपरेशन लगा है, और यदि इसकी वैल्यू 0 है तो हम कहेंगे इसमें जो भी कोई ऑपरेशन लगा है वो मेमोरी से रिलेटेड होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से है। नंबर 2 और 3 पे है हमारे पास S0 और S1। यह भी I0 और M अर्थात इनपुट आउटपुट या मेमोरी के ऑपरेशन की तरह ही होता है, लेकिन यह थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यह ज़्यादातर मक्स और डीमक्स आदि के ऊपर बेस होता है। इसके कुछ एग्जांपल के साथ कुछ वैल्यूज़ वगैरह हमने यहाँ पे टेबल का उपयोग करके इसको समझने की कोशिश की है। S0 S1 की टेबल यहाँ पर दिखाई गई है। अलग अलग ऑपरेशन के दौरान यदि कोई हम ऑपरेशन का यूज करते हैं जिसमें हमने S0 और S1 की वैल्यू का यूज किया है, यदि हम प्रारंभिक वैल्यू 00 लेते हैं, 00 का मतलब है हमारा प्रोग्राम अभी रुका हुआ है, हाल्ट है, अभी वो स्टार्ट की कंडीशन में नहीं है। यदि हमने S1 को 0 रखा और S0 की वैल्यू 1 कर दी, अर्थात हमने 1 के कॉन्सेप्ट को प्रयोग में लिया है, तो इसका मतलब है कि अभी हम प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, हम उसके अंदर कुछ लिख सकते हैं। और यदि हमने 2 की वैल्यू लिखी अर्थात 10, S1 की वैल्यू 1, H0 की वैल्यू 0, तो हम कह सकते हैं हम प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं। और यदि हमने दोनों की वैल्यू 11 कर दी तो इसका मतलब है हमने जो भी कोई हमारा कोड है, ऑपरेशन कोड, हम उसको यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर स्टेटस सिग्नल और कंट्रोल सिग्नल का एक साथ कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे कि अलग अलग ऑपरेशन के दौरान किस प्रकार ये कार्य करते हैं और किस प्रकार इनकी वैल्यू होती है। पहले है हमारे पास स्टेटस सिग्नल, इसकी सारणी है जिसमें हमने इनपुट आउटपुट मेमोरी S1 और S0 का यूज किया है। दूसरे में है हमारे पास कंट्रोल सिग्नल और इसके 2 स्पेशल सिग्नल, रीड और राइट। जैसे ही हम वैल्यू रखते हैं 011 अर्थात इनपुट आउटपुट मेमोरी का हमने ज़्यादातर यूज़ नहीं किया है और वैल्यू रखी हमने S0 और S1 की 11, और ऐसे केस में हमारे पास जो कंट्रोल सिग्नल होगा उसमें रीड ऑपरेशन 0 होगा और राइट ऑपरेशन हम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, अर्थात राइट प्रोग्राम जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं या प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है हम उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिग्नल जनरेट होगा, वो हम ऑपकोड फैच के दौरान उसे हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। फिर है हमारे पास 010 अर्थात ऐसे कंडीशन में हमने पिछली सारणी में देखा कि हम मेमोरी के रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। इस केस में भी हम देखते हैं कि जो कंट्रोल सिग्नल है वो केवल राइट के लिए ही जनरेट होगा, इसमें रीड ऑपरेशन के लिए यहाँ पर अभी कंट्रोल सिग्नल जनरेट नहीं होगा। फिर हमने वैल्यू को चेंज किया, 001 किया, तो ऐसे केस में हम मेमोरी को राइट कर सकते हैं, अर्थात हम मेमोरी के अंदर कुछ भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर कंट्रोल सिग्नल जो है वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी और यहाँ पर यह 10 अर्थात हम कंट्रोल सिग्नल को रीड भी कर सकते हैं लेकिन इसमें हम अब राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास 110 अर्थात अब हमने इनपुट आउटपुट जो मेमोरी सिस्टम था उसको 1 पे रखा, हायर कंडीशन पे रखा,
एस वन को भी हायर स्टेट पे रखा जबकि एस जीरो को लोअर स्टेट पे किया, तो इस केस में हम इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि इस केस के अंदर हमारे पास रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल में से केवल राइट सिग्नल ही जनरेट हो पाएगा, इसमें हम रीड ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करवा पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास 11101, अर्थात इसमें हम इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और ऐसे केस में अगर हम देखते हैं यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल जो है वो रीड ऑपरेशन के लिए ही जनरेट होगा जबकि राइट ऑपरेशन के लिए जनरेट नहीं होगा। और जबकि ट्राई स्टेट अर्थात जेड हायर इम्पीडेंस का अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो जो हमारे पास सिग्नल्स है वो स्टेटस सिग्नल्स के जो S0 S19 की वैल्यू 0 0 हो जाएगी। 0 0 होते ही हमारे पास जो भी कोई वैल्यू है इसके ऑपरेशंस की वो उसमें हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा, अर्थात हम उसे कहेंगे हाल्ट हो चुका है। ऐसे केस में यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल्स के कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं होंगे तो वहाँ पर भी ये स्टॉप हो जाएंगे और यहाँ पर वो जेड जेड शो करेंगे। पूरी टेबल के दौरान आपने देखा कि जब हम मेमोरी को रीड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करवा पा रहे हैं स्टेटस सिग्नल के अंदर, तब उस केस के अंदर हमारा यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल जो था वो रीड का जनरेट नहीं हुआ, केवल राइट का ही जनरेट हुआ, अर्थात ये अपोजिट सिचुएशन है। यदि आप मेमोरी को अगर राइट करवाते हैं तो ऐसे केस में आपके पास राइट ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे सिग्नल जो है जनरेट नहीं होगा, उस केस में आपके पास केवल रीड सिग्नल ही जनरेट होगा, अर्थात ये एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं यहाँ पर, जो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं स्टेटस सिग्नल और कंट्रोल सिग्नल। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सप्लाई और क्लॉक फ्रिक्वेंसी सिग्नल। इसमें हम पहले पावर सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास दो प्रकार की पिनें होती है, +5 वोल्ट तथा दूसरी है हमारे पास ग्राउंड पिन। पावर सप्लाई सिस्टम की जो पिन है वो पिन डायग्राम के अंदर हमने देखा कि यह राइट साइड में बिल्कुल टॉप पर थी यहाँ पर, और जबकि ग्राउंड जो पिन थी हमारे पास वो बिल्कुल बॉटम में थी कुछ इस प्रकार। इसमें ज़्यादातर हम +5 वोल्ट पावर सप्लाई जो है वो डीसी ही प्रयोग में लेते हैं, यहाँ पर हम एसी प्रयोग में नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर जो +5 वोल्ट है यदि आप डीसी भी प्रोवाइड करते हो या एसी प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पर जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो +5 वोल्ट के आसपास होगी, यानी अर्थात चाहे आप एसी वैल्यू लो चाहे आप डीसी लो, इसकी जो भी कोई एवरेज वैल्यू होगी उस सिग्नल्स की वो हमारे पास पावर सप्लाई सिस्टम की वो +5 वोल्ट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होगी। तो अगर हम यहाँ पे एसी भी अगर ले लेते हैं तो एसी की भी हमें +5 वोल्ट ही लेनी होगी, अर्थात +5 वोल्ट जो वैल्यू है वो एक स्ट्रेट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, और माइक्रोप्रोसेसर जो है वो बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट हो जाता है, और +5 वोल्ट ऑपरेशंस के थ्रू ही यह ज़्यादातर वर्किंग में आ जाता है। इसमें क्योंकि ऑसिलेशन कॉन्सेप्ट होता है, ऑसिलेशन कॉन्सेप्ट के आधार पर यह +5 वोल्ट डीसी सप्लाई से ही अपना आगे ऑपरेशन को परफॉर्म करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास X1 एंड X2 क्लॉक फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स है। यह दो प्रकार के हमारे पास एक्स्ट्रा क्रिस्टल ऑसिलेटर है, ज़्यादातर इसमें हम RC या LC नेटवर्क का यूज करते हैं, जो कि आपके क्लॉक फ्रिक्वेंसी टाइप के सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है क्लॉक फ्रिक्वेंसी सिग्नल सिस्टम। क्लॉक फ्रिक्वेंसी अर्थात यहाँ पे हम देखते हैं 0101 01 01 इस प्रकार से, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर जो है हमारा वो ज़्यादातर आज भी 0101 फॉर्मेट को ही समझता है, बाइनरी सिस्टम को ही समझता है, तो यहाँ पर उनके लिए जो भी कोई सिग्नल जनरेट किए जाते हैं सिस्टम के लिए वो भी आज ज़्यादातर 0101 फॉर्मेट में ही होते हैं। तो 01 फॉर्मेट के लिए हम इसमें दो सिग्नल्स का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, X1 एंड X2, जिन्हें हम कहते हैं क्लॉक फ्रिक्वेंसी सिग्नल। X1 एंड X2 दरअसल ये पिन्ने हैं, इन पिनों के थ्रू हम इन्हें हमारे माइक्रो प्रोसेसर को क्लॉक फ्रिक्वेंसी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। जो भी कोई हमने क्लॉक फ्रिक्वेंसी सिग्नल प्रोवाइड किया है माइक्रो प्रोसेसर को वो 3 MHz का होता है। क्रिस्टल को दी जाने वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादातर 6 MHz की होती है, लेकिन जब यह इंटरनली आगे X1 एंड X2 तक पहुंचता है सिस्टम तब यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉक आउटपुट। यह एक आउटपुट जनरेट करने में हमारी हेल्प करता है,
यह एक सिग्नल है जो हमें यह बताता है कि अब हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है अब वो उसने वर्किंग अपनी पूरी कर ली है, तो इसके थ्रू अब हमें पता चलता है। यहाँ से प्राप्त हमें क्लॉक सिग्नल को हम ज़्यादातर आईसी के लिए यूज में लेते हैं, और इससे हमें यह भी पता लगता है कि जो भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो बहुत सिंक्रोनाइज हो चुका है। सिंक्रोनाइज अर्थात जो भी कोई ऐसा सिस्टम जो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है उसे हम सिंक्रोनाइज कहते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो भी टाइम के साथ ही वर्किंग में होता है और टाइम के ऊपर ज़्यादातर वो डिपेंड रहता है, इसलिए हम उसको कहेंगे सिंक्रोनाइज माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।